नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिक्रम म्यूज़िक सीरीज़। एक और वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा मोनो ऐप में टू चैनल ऐम्प में और फोर चैनल ऐम्प में क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम टू चैनल ऐम्प से शुरू करते हैं। जो हमारा टू चैनल ऐम्प होता है उसके ऊपर हम या तो सिर्फ एक सब वूफर चला सकते हैं, जिसको हम वूफर बोलते हैं, और या फिर हम दो स्पीकर चला सकते हैं। जैसे कि अगर हमें वूफर चलाना है तो हमें दोनों चैनलों को एक बनाना पड़ता है, ब्रिज करना पड़ता है हमें दोनों चैनलों को, ठीक है। और जो इसकी इनपुट होती है एम्पलीफायर की, वो भी दो ही होती है, तीन नहीं होती इसकी, चार नहीं होती, पाँच नहीं होती, छः नहीं होती, सिर्फ दो होती है। इसलिए हम इसको टू चैनल बोलते हैं, ठीक है। अब हम फोर चैनल की बात करते हैं। जो हमारा फोर चैनल लैंप होता है वो या तो दो सब वूफर चला सकता है, या फिर चार स्पीकर चला सकता है, या फिर एक वूफर और दो स्पीकर चला सकता है। एक बार दोबारा समझ लो, हमारा जो फोर चैनल एम्प होता है या तो दो सब वूफर चलाएगा, वूफर जैसे सोनी, JBL, पाइनर, ये दो सब वूफर चला सकता है, या फिर हमारा फोर चैनल एम्प चार स्पीकर चला सकता है, ठीक है, या फिर हमारा फोर चैनल एम्प एक सब वूफर और दो स्पीकर चला सकता है। समझ में आया आपको? तो चलो अब हम मोनो एम्प की बात करते हैं। तो अब हम मोनो की बात करते हैं। मोनो ऐम्प होता क्या है और ये काम किस तरह करता है, प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना कि मोनो ऐम्प होता क्या है और ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मोनो ऐम्प के लिए ही बनाई गई है। तो मैं मोनो ऐम्प के बारे में आपको समझाता हूँ। हमारे जो ऐम्प होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, स्टीरियो और मोनो। स्टीरियो जो होते हैं, जैसे स्टीरियो का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जो हमारी ईयरफोन होती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा लेफ़्ट राइट, वो स्टीरियो है आपका। जैसे एक ईयरफोन में से आपको कुछ और आवाज़ सुनाई देती है, एक ईयरफोन में से आपको कुछ और आवाज़ सुनाई देती है, वो हमारा स्टीरियो फंक्शन होता है। जैसे हमारे वूफर होते हैं 5.1 होते हैं, 7.1 होते हैं, या फिर आपने कभी आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, मॉल में, तो आपने देखा होगा जब मूवी देखते हैं तो जो साउंड क्वालिटी होती है वहाँ की कुछ अलग ही होती है। जैसे इस तरफ से मुक्का मारेंगे इस तरफ से ही आवाज़ आएगी, उस तरफ से मुक्का लगेगा उस तरफ से ही आवाज़ आएगी, सामने कुछ हुआ है तो सामने से ही आवाज़ आएगी। ये कमाल होता है स्टीरियो का, ठीक है। तो ये सब हमारा स्टीरियो होता है। और जो मोनो होता है हमारा, मोनो का मतलब होता है एक, सबको मिला के एक कर देना। जैसे हमारा 7.1 है, ठीक है, तो 7.1 को मतलब जितने भी सातों के साथ चैनल है ना, सातों के साथ सबकी आवाज़ एक स्पीकर में निकाल दो, उसको हम मोनो बोल देते हैं, कि सबकी इकट्ठी आवाज़ एक स्पीकर से निकालेंगे हम, वो मोनो हो जाता है हमारा। ये सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को मैंने समझाया है, यही मतलब होता है मोनो का। और मोनो इतना महंगा क्यों होता है ये चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब जो हमारा जैसे फोर चैनल एम्प है, और फोर चैनल एम्प पे हम पूरी पावर एक वूफर पे नहीं ले सकते, फोर चैनल एम्प की एक वूफर पे कभी भी नहीं ले पाएंगे। जैसे हमारा JBL का वूफर है तो हमें पूरे फोर चैनल की पावर लेनी है हमें एक वूफर पे, तो आप कैसे लोगे, ले ही नहीं पाओगे। आप टू चैनल की पावर ले सकते हो, अगर जो आप दोनों को जोड़ोगे तो आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। मतलब चारों के चार चैनलों को जोड़ देते हो आप एक ही टर्मिनल में तो नहीं बनेगी बात, आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो कंपनियां हैं उन्होंने कुछ अलग दे दिया आपको, आपको फोर चैनल की पावर, जो फोर अगर जो आपको एक वूफर में लेनी है फोर चैनल की पावर, तो उसके लिए आपको मोनो लेना पड़ेगा। मोनो के अंदर क्या होगा, जितने जैसे फोर चैनल लैंप है अलग अलग चैनल में पावर जाती है, फोर चैनल लैंप में अलग चैनल में पावर जाती है, तो उन सबको इकट्ठा करके मोनो ने एक चैनल में आपको वो पावर दे दिया है, कि आप यहाँ से एक सब वूफर भी चला सकते हो, एक के अंदर भी सारी पावर ले सकते हो, और दो सब वूफर के अंदर भी सारी पावर ले सकते हो, या तीन सब वूफर के अंदर भी आप सारी की सारी पावर इसके अंदर ले सकते हो आप। ये मतलब होता है मोनो का, सिंपल सा मतलब है मोनो का। और इसीलिए ही ये इतना कॉस्टली होता है, और इसके अंदर वो फंक्शन नहीं होता कि आप जैसे स्पीकर भी चला सकते हो इसके अंदर, नहीं, इसके अंदर आप अपने स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि LPF इसके अंदर ऑलरेडी ही ऑन रहती है। मतलब LPF का इसके अंदर कोई स्विच नहीं दिया, कोई बटन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, तो इसकी LPF हमेशा ऑन रहती है, जिससे आपको आवाज़ कभी मिलेगी नहीं, सिर्फ आपको बेस की आवाज़ आएगी बस इसके अंदर, जो बास होती है आपकी वही आवाज़ मिलेगी इस मोनो के अंदर।
तो और कोई फ़र्क नहीं है इस मोनो में, बस इतना सा ही फ़र्क है कि ये सिर्फ स्पेशली मोनो जो है वो स्पेशली वूफर के लिए होता है, और जो हमारे ये स्टीरियो एम्प है, 2 चैनल हो गया जैसे 4 चैनल ये स्टीरियो एम्प है, इनके ऊपर हम अपने स्पीकर भी चला सकते हैं और वूफर भी चला सकते हैं। लेकिन जो मोनो है वो स्पेशली हमारा वूफर के लिए होता है। मोनो अगर जो हमारा मोनो अच्छा है तो उसके ऊपर हम 3 सबवूफर भी चला सकते हैं, 4 सबवूफर भी चला सकते हैं। वैसे जो हमारा छोटा मोटा भी मोनो होता है वो भी हमारा 2 सबवूफर बड़ी अच्छी तरीके से चलाता है। बस ये फ़र्क होता है मोनो और 4 चैनल 2 चैनल एम्प में। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।